जा रही हूँ लंदन, लेकिन बहुत जल्द वापस आ जाऊँगी एक नया प्रोजेक्ट के साथ। लेकिन इस बार बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल होगा, और वो इस वजह से क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट पे ज़रूर है, जैसे मेरा पिछला वीडियो था सिद्धि मतमान, लेकिन इस बार ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पे है, बेस्ड इन ईरान जो हमारा जो प्रॉब्लम था और अभी भी चल रहा है। पिछले 40 साल से ये ईरानी गवर्नमेंट हमें बहुत परेशान कर रहा है, और मैंने इस गाने को खुद गाया है, प्रोड्यूस किया है, परफॉर्म किया है, लिखा है, और बहुत जल्द हिंदी में भी इसे मैं गाऊंगी। इंग्लिश और फारसी में फ़िलहाल मैंने गाया है। बहुत बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, मैंने अच्छे अच्छों की बैंड बजाई है इस गाने में पूरे गवर्नमेंट को है। देखते हैं कि कैसा चलेगा, कुछ होगा नहीं होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हम महिलाओं को अभी लड़ना चाहिए और हमारे हक के लिए, और वीडियो में भी पब्लिक्स हम कर्तव्य ही नहीं बनना चाहते। मैडम, पहले आपने 10 साल लगा दिया यहाँ आने में, इंडिया में आने के लिए, अभी दोबारा कब आओगे, कम बैक कब आओगे? मैं आ जाऊँगी एक महीने में, वापस आऊँगी, और तो आई गेस नवंबर में मैं वापस आ जाऊँगी। सुना मैडम, सूत्रों से जानकारी मिली कि आप बिग बॉस में भी जाने वाली है, उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे तो? न्यूज़ स्प्रेड्स वेरी फास्ट जी। मैं तो बिग बॉस जाऊँगी ज़रूर इस बार, और देखते हैं कि कब होगा, कैसे होगा, मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूँगी। मैम, जो अर्चना गौतम के साथ हुआ है दिल्ली में, उसके बारे में क्या कुछ करना चाहते हैं? बहुत बुरा हुआ है। अब खैर, पॉलिटिक्स यही तो करता है, पॉलिटिक्स पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, और आज के ज़माने में महिला को ऐसे इस तरह से उनके साथ बर्ताव करना, उनके पिता के साथ ऐसे बर्ताव करना, ये गलत बात है। और मैं ये नहीं सोचती हूँ कि अगर कोई भी, अगर उनकी गलती भी हो, जो मैं नहीं मानती, लेकिन अगर हो भी, तो इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट वेरी नाइस। एक औरत है, उसकी इज्जत करनी चाहिए और तभी से पेश आनी चाहिए। थैंक यू।